कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सोल हमारे आत्मा को जागृत करने वाले हैं। और उसका एक वीडियो एडिटिंग जो डेमो आपने देखा, उसी तरह का वीडियो आज हम एडिट करना सीखने वाले हैं। तो किस तरह से आपको इसे शूट करना है और किस तरह से एडिट करना है आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इस तरह का एक वीडियो शूट करना है। देखिए इस तरह से आपको आ जाना है और यहाँ पे बेड पर आपको सो जाना है। जितना हो सके उतना देर तक यहाँ पे सो लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें वीडियो को स्प्लिट करके कट करना होता है। तो जो वीडियो का पार्ट है वो हमें ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा देर सोना पड़ेगा। उसके बाद आप इस तरह से उठ के एक बार पीछे मुड़ के फिर से उठ के चले जाइए। तो इस तरह का वीडियो बनाना है और आपको काइन मास्टर में आ जाना है। 16:9 वाला रेशियो ले लेना है, उसके बाद मीडिया वाले ऑप्शन में जाना है और जो वीडियो आपने बनाई थी उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। देखिए इस तरह का वीडियो यहाँ पे हमें बनाया था, तो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आप उठ के जाते हो तब का पार्ट यहाँ से आपको कट करके ले लेना है। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे स्प्लिट करना है। देखिए इस तरह से, उसके बाद यहाँ पे फिर से वीडियो पर क्लिक करना है जो हमने स्प्लिट किया था, और यहाँ पे 3 डॉट पे जाके डुप्लीकेट एज ए लेयर आपको करना है। देखिए इस तरह से, और इस वीडियो को यहाँ पे आपको आगे ले लेना है। देखिए इतना आगे ले लेना है और ये वाला वीडियो आपको कट कर देना है। देखिए इस तरह से हो जाएगा। फिर इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एंडिंग में इस तरह देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, स्क्वायर वाले ऑप्शन पर जाइए और यहाँ पे फुल स्क्रीन कर दीजिए। देखिए इस तरह से हो जाएगा। देखिए सिंपली इस तरह से हो चुका है हमारा वीडियो। उसके बाद आपको इस वाले वीडियो पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो अल्फा कैपेसिटी है उसे यहाँ पे आपको कर देना है कम। देखिए इस तरह से, थोड़ा इस वीडियो को आगे लेता हूँ मैं, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे थोड़ा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको। देखिए अल्फा कैपेसिटी यहाँ पे थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है, और जो पिछला वाला वीडियो है उसका यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट में जाके यहाँ पे आपको जो बीच वाला आइकन है उसकी थोड़ी सी यहाँ पे बढ़ा देनी है। देखिए इस तरह से आपको बढ़ा देना है ताकि आपका वीडियो अच्छी तरह से दिखे। तो देखिए इस तरह से बढ़ा देना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको उठना है। देखिए ये आपकी सोल उठ गई, देख सकते हैं आत्मा जागृत हो चुकी है और यहाँ पे आत्मा चली गई। वाह, देख सकते हैं इस तरह का वीडियो यहाँ पे आपका बन जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। तो देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका होता है इस तरह का वीडियो बनाने का। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आत्मा हमारे उठ के चल रही है। तो उसके बाद आपको शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बस इतना ही करना था इसमें। और यहाँ पे आपको जिस भी रिजोल्यूशन में सेव करना चाहते हो वो रिजोल्यूशन में सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए, आपका वीडियो इंटरनल मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे वीडियो बन के रेडी हो चुका है हमारा। दोस्तों कैसा लगा ये आत्मा को जागृत करने वाला वीडियो? अगर आप भी इसे एडिट करना चाहते हैं बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वाला वीडियो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, साथ ही सब्सक्राइब तो जरूर बनता है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए।